आप याद कीजिए 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। मेरे परिवारजनों, हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। कोई मुझे बताए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे, सबके सर दोगे? क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को पांच पांच दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। आदिवासी कहां रहता उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया
कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, आजादी के 5-6 दशक के बाद ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे, हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल गांव-गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को, अभी 10 दिन के बाद ही आने वाला है, 15 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, पूरा देश मनाएगा। ये भाजपा है जो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर भव्य स्मारक बना रहा है। ये भाजपा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा। आज एमपी में पाताल पानी स्टेशन जननायक टंटिया भील के नाम पर है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है, तो मल्ला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा, भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है। इनके विकास के लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए का एक खास मिशन शुरू करने जा रही है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई? हमारे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, हमारे राजमिस्त्री जो मकान चुनते हैं, हमारे बढ़ई, हमारे कपड़े धोने वाले भाई बहन, कपड़े सिलने वाले भाई बहन, ऐसे अनेक लोगों के लिए हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया उनको नए औजार लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और आगे चल करके बैंक से पैसा उनके कारोबार को दुनिया में फैलाने के लिए। इन कामों से भी अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही जुड़े हैं। इस योजना पर भी केंद्र सरकार करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। मेरे परिवारजनों,
मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है, तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़। और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटी बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए, यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है। भाजपा मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है। आज ये जो आधुनिक सड़कें बन रही है, ये किसके लिए बन रही है भाई? ये जो आधुनिक ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, ये किसके लिए है? ये मेरे एमपी के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए है। महाकौशल क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिक रेलवे और चौड़े हाईवे का जाल फैलेगा, वैसे वैसे यहां नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे। आज भारत पूरी दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद बन रहा है। यहां तो पैंच नेशनल पार्क है, इसे मोगली का घर भी कहा जाता है। इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, भाजपा की बहुत बड़ी प्राथमिकता है गरीब का जीवन आसान बने, मध्यम वर्ग का जीवन आसान बने। एक समय था जब आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन भाजपा ने सारी सुविधा अब आपके फोन पर ही उपलब्ध करा दी है। अच्छा, यहां जो आप रैली में आए हैं, एक काम करेंगे, एक काम कीजिए, आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो जरा हाथ में लेकर के मुझे दिखाइए।
सब अपना मोबाइल फोन दिखाइए। अब आपने हाथों में फोन दिखाया है, आप जानते हैं ये मोबाइल फोन आपके पास है उसकी कीमत किसकी वजह से कम हुई है? ये भाजपा सरकार की वजह से कम हुआ है। अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो आपके पास जो मोबाइल है उसकी कीमत आज भी कई गुना ज्यादा रहती। भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज देश में सस्ते स्मार्टफोन बन रहे हैं। मेरे गरीब भाई बहनों को भी अच्छे फोन उनके हाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां थी। कितनी कितनी फैक्ट्रियां थी मोबाइल फोन बनाने की? कितनी फैक्ट्रियां थी जरा जोर से बोलिए, कितनी थी? आज भाजपा सरकार में दो से बढ़कर के 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल फोन बना रही है, और इसलिए ये फोन सस्ता हुआ।